वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इस लेक्चर में हम पी एनपी एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली हम इन प्रॉब्लम्स को डिफाइन करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो पी इज पॉलीनोमियल प्रॉब्लम और एनपी है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलीनोमियल प्रॉब्लम और एनपी कंप्लीट नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलीनोमियल कंप्लीट। इसी तरह से नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलीनोमियल हार्ड प्रॉब्लम। तो पी एनपी और एनपी कंप्लीट एनपी हार्ड का कॉन्सेप्ट हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ये कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी नजर आएगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी मिलेगा और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में भी इस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीनोमियल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। पॉलीनोमियल प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम पॉलीनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। यहां पे यही डेफिनेशन लिखी गई है। अ प्रॉब्लम इज सेड टू बी पॉलीनोमियल प्रॉब्लम, जिसको पी से डिनोट करते हैं। कब होगा? अगर हम इसको किसी पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व कर दें यूजिंग डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। पॉलीनोमियल टाइम से क्या मुराद? ऐसा टाइम जो के ऑर्डर ऑफ एन, या आप कह लें बिग ओ ऑफ एन पावर के की फॉर्म में हो। यहां पे जो k है, k कांस्टेंट है, n है हमारे पास साइज ऑफ इनपुट। हमने देखा था ना, जिस तरह हमने इस एल्गोरिदम में जितने भी तकरीबन अब तक हमने प्रॉब्लम्स किए हैं या जो एल्गोरिदम पढ़े हैं, वो तकरीबन उनमें से ज्यादा एल्गोरिदम पॉलीनोमियल एल्गोरिदम्स हैं, यानी वो पॉलीनोमियल प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व होते हैं। यानी मैं कहता हूं मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं और मेरे पास कुछ रिजल्ट इस किस्म का आ जाता है ओ ऑफ एन स्क्वायर, तो ये मेरे पास एक पॉलीनोमियल वैल्यू आ गई। ऐसे प्रॉब्लम जो इस फॉर्म में होते हैं, मसलन यहां पे लिखा है लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, यानी सर्चिंग और सॉर्टिंग के जिस तरह हमने जो प्रॉब्लम पढ़े थे वो सारे पॉलीनोमियल प्रॉब्लम थे, क्योंकि उनका जो सोल्यूशन होता है ना, वो जो एल्गोरिदम होता है, वो एल्गोरिदम का हम एक पॉलीनोमियल टाइम के अंदर वो एल्गोरिदम हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अब यहां पे जिस तरह लीनियर सर्च है ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो एन होती है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है या जिसको ऑर्डर ऑफ एन आ रहा था, फिर ये एन की पावर में तो था नहीं। तो ये भी सारे जो है ये पॉलीनोमियल प्रॉब्लम्स ही हैं। इसको मैं थोड़ा सा और आसान लफ्जों में बता देता हूं, बल्कि उससे पहले हम देख लेते हैं। यहां पे लिखा है पॉलीनोमियल टाइम यूजिंग डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम क्या होता है? ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसके हम सारे स्टेप परफॉर्म करते हैं और हमें हर स्टेप का क्लियर वे के अंदर पता होता है कि किस स्टेप के अंदर क्या काम होना है, और जो हम एक स्पेसिफिक इनपुट दे रहे होते हैं हमें पता होता है कि अगर ये इनपुट देंगे तो ये स्पेसिफिक आउटपुट हमारे पास आएगी। जिस तरह हम कह लेते हैं कि हमने सॉर्टिंग करनी है, अब जब हमने सॉर्टिंग का एल्गोरिदम करना है तो हमें पता होता है कि ये हम मसलन मर्ज सॉर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे तो एंड पे जो अरे है वो तो एक सॉर्टेड अरे ही आएगी। पॉलीनोमियल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व एंड वेरीफाई इन पॉलीनोमियल टाइम। तो पॉलीनोमियल प्रॉब्लम जितने भी होते हैं वो वेरीफाई और सॉल्व पॉलीनोमियल टाइम में हो सकते हैं। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, मसलन मैं कहता हूं ये एक्स एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक एल्गोरिदम है ए। ए है एल्गोरिदम, ए एल्गोरिदम है जो कि एक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब इस ए एल्गोरिदम की मैं कहता हूं मेरे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है लेट्स से वो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब देखें जब ये वाला प्रॉब्लम एक्स प्रॉब्लम जो है वो ए एल्गोरिदम से सॉल्व हो रहा है और ए एल्गोरिदम जो है वो क्या किसी पॉलीनोमियल टाइम के अंदर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा पी प्रॉब्लम है, यानी पॉलीनोमियल प्रॉब्लम इस तरह के होते हैं हमारे पास। इसके बाद बात करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलीनोमियल प्रॉब्लम। अब देखिए जितने भी हमें पता है कि प्रॉब्लम्स है ना, उनका सोल्यूशन होता है। अगर तो हमारे पास सोल्यूशन एक स्पेसिफिक टाइम में हम अंदाजा लगा लें कि इतनी इनपुट देंगे तो इतना टाइम लगेगा हमारे पास आ जाए, तो हम तो कह देते हैं वो पॉलीनोमियल है। कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं जिनका हमारे पास स्पेसिफिक टाइम तो नहीं उस तरह से आ रहा होता, यानी जो कह लें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम उनको वेरीफाई पॉलीनोमियल टाइम के अंदर कर सकते हैं। किस तरह से? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बेसिकली मैं आपको एनपी कंप्लीट एनपी के बारे में बताना चाह रहा हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है अ प्रॉब्लम डेट कैन नॉट बी सॉल्व इन पॉलीनोमियल टाइम। ऐसा प्रॉब्लम जो कि पॉलीनोमियल टाइम में तो सॉल्व ना हो सके, लेकिन हम उसको वेरीफाई जरूर कर सके पॉलीनोमियल टाइम में यूजिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। अब देखिए पॉलीनोमियल टाइम हमें पता है क्या टाइम है जो इस फॉर्म के अंदर हो। हम कह रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम जो कि इस तरह से ना हो, यानी जो कि पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व ना हो, लेकिन जो उसका रिजल्ट आए ना, हम उसको वेरीफाई जरूर कर सकते हो पॉलीनोमियल टाइम में, तो वो होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलीनोमियल। किस तरह से? मैं आपको उसको एक एग्जांपल से समझाता हूं हम कहना क्या चाह रहे हैं।
जो तो पॉलिनोमियल है वो तो हमें पता ही है, मैंने एग्जांपल बता दी लीनियर सर्च बाइनरी सर्च। अब जो हमारे पास कह लें कि जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होते वो कैसे प्रॉब्लम होते हैं, वो थे एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम, यानी जिसका कुछ इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होती है, 2 की पावर k कर लें, 2 की पावर k कुछ इस तरह का उसका होगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होती है ना, तो ये इस तरह की फॉर्म में उनका हमारे पास जो है वो कह लें कि आंसर आ रहा होता है या कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होती है। तो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, देखें मैं दोबारा वही एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास, मैं कहता हूं एक एक्स प्रॉब्लम है, ये जो एक्स प्रॉब्लम है ना इसके मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस अवेलेबल है, ये मैं इसको एस लिख देता हूं या SOL कर देता हूं, इसके कुछ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अब वो जो सॉल्यूशन अवेलेबल है वो जाहिर बात है वो अवेलेबल सॉल्यूशन किसी एल्गोरिदम के थ्रू ही हम उसको करेंगे ना इंप्लीमेंट। यहां पर मैं लिख देता हूं एल्गोरिदम ए, ए फॉर एल्गोरिदम। हम क्या करेंगे, हमारे पास यहां पर जो एक्स है ना, आप कह लें कि ये एक नॉन पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम है। अब ये जो हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम है ना, इसका हमारे पास सॉल्यूशन मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। उन सॉल्यूशन का जो हमारे पास एल्गोरिदम है, अगर तो वो एल्गोरिदम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर रन हो जाए यूजिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, लिखा हुआ है कि वो जो एल्गोरिदम है नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक से यहां पे क्या मुराद, ऐसा एल्गोरिदम जिस पे जब हम इनपुट देते हैं तो लाजमी नहीं हर दफा सेम ही आउटपुट आए, उसकी आउटपुट चेंज हो सकती है। और जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम होता है ना, इसके अंदर कुछ स्टेप जो होते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, कुछ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, यानी कुछ का तो हमें आउटपुट का पता होता है लेकिन कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जिसकी हमें आउटपुट के बारे में नहीं पता होता, उसको हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो ये हमारे पास जो एनपी प्रॉब्लम्स हैं, यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम प्रॉब्लम को जो उसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो पॉलिनोमियल टाइम में नहीं होता, लेकिन वो जो सॉल्यूशन होता है हम उसको वेरीफाई जरूर कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में। ये ऐसे ही बताया, ये जो एक्स है ना, एक्स को एक प्रॉब्लम है, उसका ये सॉल्यूशन है ना ये नॉन पॉलिनोमियल सॉल्यूशन है, यानी नॉन पॉलिनोमियल से मतलब कोई एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होगा, पॉलिनोमियल टाइम में नहीं होगा, लेकिन उसका जो एल्गोरिदम होगा ना उस एल्गोरिदम को हम वेरीफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में। ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं एनपी प्रॉब्लम। यहां पे एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, जितने भी पॉलिनोमियल प्रॉब्लम होते हैं ना उन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम वो जो है वो हमारे एनपी के सबसेट होते हैं, यानी एक सर्कल है एनपी, एनपी का सबसेट होगा पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स की। पहले हम एनपी हार्ड को डिस्कस कर लेते हैं। द प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम आर कॉल्ड एनपी हार्ड प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल सबसेट सम प्रॉब्लम, यानी ऐसे प्रॉब्लम जिनको हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व ही नहीं कर सकते वो हमारे एनपी हार्ड प्रॉब्लम होंगे। इसमें एक अजम्पशन की जाती है, अजम्पशन ये की जाती है कि देखें अगर इस तरह से मैं कहता हूं, अभी जो हमने देखा कि ये एनपी है हमारे पास, एनपी का सबसेट होता है पी, तो जितने भी हमारे पास इसमें एनपी प्रॉब्लम्स हैं अगर तो हम उन सब को रिड्यूस कर लेते हैं, इस तरह से मैं एरो बनाता हूं, इन सब को रिड्यूस कर लेते हैं, आर ई डी मैंने यहां पे लिख दिया, अगर तो हम इन सब को रिड्यूस कर लेते हैं किसी एक प्रॉब्लम के अंदर जो कि हम पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम हो, यानी हम जितने भी एनपी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम उन सब को रिड्यूस कर लें किसी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, यानी इसको हम रिड्यूस करने में टाइम तो लगेगा ना, वो जो टाइम लगे वो भी पॉलिनोमियल टाइम हो, उनको रिड्यूस कर ले किसी सेट के अंदर, तो वो हमारे एनपी हार्ड प्रॉब्लम कहलाते हैं, मैं एनपी एच लिख देता हूं। तो ये लेकिन सिर्फ एक अजम्पशन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे एनपी हार्ड प्रॉब्लम है ना वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होते। इसके बाद बात करते हैं एनपी कंप्लीटनेस की, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम का क्या कॉन्सेप्ट है, ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है क्या, तक फिर मैं आपको डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे क्या लिखा है। एनपी कंप्लीट जो होते हैं ना प्रॉब्लम वो एनपी हार्ड भी होते हैं और एनपी भी होते हैं, क्या एक चीज याद रखनी है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम एनपी हार्ड भी होते हैं और एनपी भी होते हैं। इसमें हम करते क्या है, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ए प्रॉब्लम है, ये एक एनपी प्रॉब्लम है ए, ठीक है ए प्रॉब्लम है, और एक मेरे पास ये बी प्रॉब्लम है, बी भी मेरे पास जो है वो एनपी प्रॉब्लम है। अब मेरे पास इस बी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम है, मैं यहां पे इस तरह करके ए लिख एल्गो लिख देता हूं, एल्गोरिदम बी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या है, एक एल्गोरिदम है, लेकिन ए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एल्गोरिदम नहीं है।
अगर तो मैं इस ए प्रॉब्लम को बी प्रॉब्लम के अंदर, मैं कहता हूं बी प्रॉब्लम ए प्रॉब्लम से मिलता जुलता ही है या ए प्रॉब्लम बी प्रॉब्लम जैसा ही है, अगर तो मैं कोई ऐसी टेक्निक यूज करूं कि मैं इस ए प्रॉब्लम को बी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर दूं, यानी ए प्रॉब्लम को बी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दूं और बी प्रॉब्लम का तो एल्गोरिदम मेरे पास है, तो इस तरह की जो फॉर्म होती है ना, मैं कहूंगा मेरा ये जो ए प्रॉब्लम है ना, ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम बन गया। तो ये जो हम ए को बी में कन्वर्ट करेंगे ना, बेसिकली ये हम करते हैं रिडक्शन, यहां पे रिडक्शन की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। लेकिन याद रखना है जब हम रिडक्शन करेंगे वो रिडक्शन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर ही होनी चाहिए। इससे क्या मुराद, जब मैं ए प्रॉब्लम को बी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट करने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, वो टाइम पॉलिनोमियल टाइम होना चाहिए, यानी वो ऑर्डर ऑफ एन पावर के की फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें एन इनपुट होगी और वो जो के है वो क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा हमारे पास। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम बोलते हैं। इसको डेफिनेशन अब पढ़ते हैं क्या है। इफ अ प्रॉब्लम ए कैन बी रिड्यूस इनटू एनपी प्रॉब्लम बी, ये प्रॉब्लम ए है, अगर हम इसको प्रॉब्लम बी के अंदर रिड्यूस कर सकते हो इन पॉलिनोमियल टाइम, यानी ए को बी में रिड्यूस करने के लिए हमें पॉलिनोमियल टाइम लगे, देन द प्रॉब्लम ए विल बी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। तो हम कहेंगे प्रॉब्लम ए एनपी कंप्लीट है, बी में चेंज हो गया, बी का कोई एल्गोरिदम है। अगर बी का कोई एल्गोरिदम है तो हम कह चुके हैं कि वो जो एल्गोरिदम है वो जाहिरी बात है एनपी में, तो हमने कहा था ना कि प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन जो है वो तो नॉन पॉलिनोमियल होता है, लेकिन उसकी हम उसकी वेरिफिकेशन हम पॉलिनोमियल टाइम में कर सकते हैं। ए को बी में कन्वर्ट कर दिया, बी का एल्गोरिदम है हमारे पास, इस एल्गोरिदम को हम पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर लेंगे। तो ये हमारे होते हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। इसकी एग्जांपल क्या है, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम हो गया, लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम हो गया, हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम हो गया, ये सारी हमारी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम की एग्जांपल्स हैं। तो आपने याद रखना है कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम एनपी हार्ड भी होता है और एनपी भी होता है। यहां पे एक और मैं आपको डिफरेंस बता दूं, ये जो बेसिकली एनपी हार्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, ये यूजुअली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज हो रहे होते हैं, लेकिन जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होते हैं ना, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं, डिसाइडेबिलिटी के लिए यूज कर रहे होते हैं हम यूजुअली। इसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है कि अब हम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, हमारा जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम ना मेन कंसर्न है वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम से। अब हमने तो कहा कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम ए है, बी है, उस बी का तो हमारे पास सोल्यूशन है, कोई एल्गोरिदम अवेलेबल है, लेकिन ए का नहीं है, हम ए को बी में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके थ्रू उसको कर लेंगे। तो अब ये इस कन्वर्जन को जब करना होता है जो कि पॉलिनोमियल टाइम में हो, तो जाहिर बात है कि हमें कुछ फिर एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होते हैं ना, इनके लिए कुछ अप्रोचेज होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ अप्रोचेज होती हैं। वो अप्रोचेज क्या होती हैं, अप्रोक्सीमेशन अप्रोच होती है, रैंडमाइजेशन होती है, पैरामीटराइजेशन होती है और ह्यूरिस्टिक होती है। हमारा फोकस इस कोर्स में रहेगा अप्रोक्सीमेशन अप्रोच के ऊपर कि हम किस तरह से एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने आने वाले लेक्चर में अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम को पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, किस तरह से इनको इंप्लीमेंट किया जाता है, विद एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इस लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल, एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स हैं क्या और इनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।